अब आइए बात करते हैं, देखिए क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, लगातार बारिश हो रही है, हमने शहरों का भी हाल आपको दिखाया, लेकिन पूरे देश भर में क्या है? अब बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं कि हमने तैयारी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हम तैयार हैं। जैसे मुंबई में तो ये कहा गया कि हम 106% तैयार, मतलब 6% एक्स्ट्रा तैयार, ऐसी भी बातें बीएमसी की तरफ से कही गई। लेकिन हर साल वही हाल देखने को मिलता है जगह जगह से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून में हर साल एक तरह की तस्वीरें सामने आती हैं पूरे देश भर में। कई शहर में पानी भर जाता है तो वहीं बाढ़ का कहर भी झेलना पड़ता है। आम लोगों की परेशानी मॉनसून में बढ़ जाती है। आखिर देश में कहां कहां क्या हुआ, हमें लगा कि ये एक बहुत जरूरी हो जाता है ये कि जितने दावे किए जा रहे हैं उन दावों को तस्वीरों के माध्यम से देखें, तो क्योंकि सब सामने आ जाता है, तस्वीरों में कैद हो जाता है। और ठीक वही चीज हुई है इस मॉनसून में भी। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि देश भर में जो कहा गया है और जो हुआ है उसमें कितना फर्क है मॉनसून को लेकर। पहले मॉनसून का इंतजार हुआ और जब मॉनसून आया तो परेशानियां बढ़ने लगी। अभी भी मॉनसून में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली सामने आने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में तो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कार बाल बाल बच गई। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे, वहां से गाड़ियां गुजर रही थी। पहली गाड़ी तो निकल गई, दूसरी गाड़ी जैसे आगे बढ़ी बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिरा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि कोई हादसा हो सकता था, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पत्थर गाड़ी से आगे गिरा। महज चंद सेकंड से बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, झमाझम बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड होने की वजह से 45 सड़कें बंद हो गई हैं। ऊना में तो लोग बारिश की वजह से क्रिमेशन ग्राउंड में फंस गए। प्रशासन की तरफ से राहत अभियान चलाकर उन्हें बचाया गया। सड़क पर फ्रिज बहने की यह तस्वीर गाजियाबाद की है। लगातार बारिश से पहले दुकान में पानी घुसा और फिर दुकान में रखा सामान बहने लगा। इसमें फ्रिज भी शामिल है। दुकानदार ने सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश में कोशिशें नाकाम हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र में बारिश के कारण शेर नाला अचानक उफान पर आ गया। पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तेज रफ्तार से आ रहा पानी कार को ही बहाने लगा। लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। राहत की बात रही कि स्थानीय लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बीच छिनका में फिर पहाड़ से पत्थर गिरे हैं। पिछले 10 दिनों में हाईवे को चौथी बार बंद किया गया है। पिछले हफ्ते इसी जगह पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा था। हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। भारी बारिश के बीच चमोली में लोग जान जोखिम में डालते हुए भी दिखे। यहाँ कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं कनोल मोटर मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से लोग नंदा नगर घाट पर डंडों की मदद से बाइक समेत मंदाकिनी नदी पार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में शुक्रवार को बादल फटा है और इस वजह से एक पुल बह गया। यहाँ एक गाँव में 200 लोग फंस गए हैं। बचाव के लिए जा रही SDRF की टीम भी फंस गई। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी जो हाई रेनफॉल केरला कर्नाटक में हो रहा था वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अभी रेनफॉल एक्टिविटी कम होगा केरला में। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल इंडिया है, ओडिशा से शुरू करके गुजरात तक 7-8 तारीख को बहुत अच्छा बारिश रहेगा। कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल भी प्रोसेस में हो सकता है। फिर 9 तारीख से धीरे धीरे ये रेनफॉल बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा और 12 तारीख तक
आपका हिमालय का जो फुटहिल्स एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा बारिश रहेगा। इसके बाद फिर 13 तारीख से सेंट्रल इंडिया में फिर रेनफॉल बढ़ता रहेगा। इसका वजह यही है कि जो मानसून ट्रफ है, मानसून ट्रफ अभी नॉर्मल पोजिशन से साउथ में है, इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादा बारिश हो रहा था। वो धीरे धीरे ये शिफ्ट होते हुए फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। बारिश से भरा ये सरकारी अस्पताल बिहार के दरभंगा में है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूरा पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस हाल में यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है। सिर्फ डॉक्टर मरीज परेशान है ऐसा नहीं है। परेशान तो पुलिस वाले भी हैं, थाने में भी पानी घुस गया है। पूरे बिहार में 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल और बिहार में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, कोसी, बागमती सभी नदियां उफान पर हैं। बिहार में बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी भी बिहार में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। किसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना पे? खाना पीना अपना उधर उधर खाते हैं और क्या करें, इसी पर बनाता है आदमी, खाता है, क्या करें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। केरल के अल्लापुझा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, राहत अभियान चलाना पड़ा है। वहीं केरल के कोट्टायम का भी यही हाल है। भारी बारिश जारी है और जगह जगह पानी जमा है। तिरुवनंतपुरम में भी लोग भारी बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है। राहत अभियान चलाना पड़ा है जिससे लोगों को परेशानी कम से कम हो। मॉनसून की शुरुआत में सामान्य से 30% कम बारिश का अनुमान था, जो अब घटकर 5% रह गया है। यानी बारिश सामान्य से कम हो रही है, फिर भी शहरों का दम फूल रहा है। क्या शहरों को बनाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है? शहर जो सालों से बनते आए हैं उसके पीछे कोई प्लानिंग कभी था ही नहीं, उसको ऑर्गेनिक सिटी कहते हैं। दूसरा तो ऐसे शहर जो प्लान करके बनाया जाता है, जैसे चंडीगढ़ हो या और हो, तो ऐसे शहरों में जब शहर बनता है तो उसमें जब बरसात गिरती है तो बरसात का पानी जमीन के अंदर जाने के लिए कुछ न कुछ सुविधा करनी पड़ती है। अगर ऐसी सुविधा ना करें तो वो पानी जो जमीन के अंदर जाना चाहिए वो रास्ते पे आ जाता है। तो प्लानिंग जब आप करते हैं तो ये देखते हैं कि संतुलन शहर में बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बड़ा सवाल है कि क्या हम शहरों में सिस्टम में सुधार कर बारिश के पानी को जमा होने से रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।